बरेली में इत्तेहादे मिलत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने आज अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में विघटनकारी ताकतें सर उठा रही हैं। मुसलमानों का कत्लेआम मोब लिंचिंग एक आम बात हो गई है। हमारे समाज में दुशासन और दुर्योधन पैदा हो गए हैं। बड़े दुख की बात है कि लोग कातिलों को शह दे रहे हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं। देश के हालात अच्छे नहीं हैं। भिवानी में जो दो नौजवान लड़कों को सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक मारा गया है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। बिल्कुल, सौरभ भास्कर को कोई मुबारकबाद नहीं दूंगा, बल्कि जो उसके साथ शादी, मैंने हमेशा ये बात कही है, बहुत से मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियां लेकर आए, मैंने सख्त मजम्मत की कि अगर तुम बाहर की लड़कियां लाओगे तो तुम्हारी अपनी लड़कियां कहाँ जाएंगी। और मैं आज उन हिंदूवादी संगठनों से भी कहता हूं जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती बताते हैं और हिंदुओं की हिमायत की बात करते हैं, तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बहकाकर हिंदू बना लिया गया, हिंदू लड़कों से शादियां करवा दी गई। मैं ये पूछता हूं, जब 10 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज में चली गई, हिंदू लड़कों से शादियां कर ली, तो कम से कम 10 लाख हिंदू लड़कियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू समाज को यह सोचना चाहिए कि ये मुसलमान, ये हिंदुओं के हितैषी हैं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं। अच्छा और बुरा समझना हर समाज की अपनी जिम्मेदारी है। समाज को खुद इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये नौजवान जो दूसरे बिरादरी के दूसरे मजहब की लड़कियां लेकर आ रहे हैं, ये अपने मजहब की लड़कियों का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।